आज हम जानेंगे कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल से मुराद उन तमाम वाकयात का सिलसिला है जिनमें एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के जरिए नए सेल्स बनाता है। यूकेरियोट्स में सेल डिवीजन दो तरह की होती है, एक मियोसिस और दूसरी माइटोसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोसिस कैसे होती है। माइटोसिस से पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, एक सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम को दो हिस्सों में तकसीम करता है, जैसे कि शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल ऐसे नए दो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है जिनके क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के जैसी होती है। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग ने 1880 में सबसे पहले न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करके माइटोसिस का नाम दिया और इस दरियाफ्त को सेल बायोलॉजी में एक ख़ास मुकाम हासिल है। और अब माइटोसिस के मराहिल। माइटोसिस के दो अहम मराहिल हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस की तकसीम को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके मजीद चार मराहिल हैं। पहला मरहला प्रोफेज, दूसरा मरहला मेटाफेज, तीसरा मरहला एनाफेज और चौथा मरहला टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस है, यानी कि साइटोप्लाज्म की तकसीम का मरहला है। अब देखते हैं माइटोसिस कैसे होती है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से पहले इंटरफेज का मरहला है। इस मरहले में सेल खुद को तकसीम के लिए तैयार करता है और इसका साइज भी बढ़ जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के पास पड़ा सेंट्रियोल खुद को दो सेंट्रोसोम्स में तकसीम करता है और सेल अपने क्रोमोसोम्स की कॉपियां तैयार करता है। अगला मरहला प्रोफेज है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तहलील हो जाती है और विरासती मादा यानी क्रोमेटिन सुकड़ कर मोटा हो जाता है। सेंट्रोसोम से मुख्तलिफ कुतुबैन की जानिब चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अगला मरहला मेटाफेज का है, जिसमें क्रोमोसोम्स मजीद वाजे हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की तादाद और लंबाई बढ़ जाती है। इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाती हैं और क्रोमोसोम्स खुद को खत इस्तवा पर तरतीब देकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज के बाद अगला मरहला एनाफेज कहलाता है। इस मरहले में स्पिंडल फाइबर्स खिंचाव की कुव्वत से क्रोमोसोम्स को मुखालिफ कुतुबैन की जानिब खींचते हैं और इस खिंचाव के नतीजे में क्रोमोसोम्स खुद को सिस्टर क्रोमेटिड्स में तकसीम कर देते हैं। इस मरहले के अख्ताम पर सेल क्रोमोसोम्स की एक जैसी कॉपियों को मुखालिफ कुतुबैन पर ग्रुप्स की शक्ल में इलहदा कर चुका होता है। इसके बाद टीलोफेज का मरहला है। इस मरहले में पहले से इलहदा हो चुके क्रोमोसोम्स के दोनों सेट्स के गिर्द नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और इसके बाद क्रोमोसोम्स खुलकर दोबारा क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इस तरह कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस का मरहला है, जिसमें बिल्कुल उसी जगह जहाँ पहले मेटाफेज प्लेट थी वहाँ एक झुरी बनती है जिसे क्लेवेज फरो कहते हैं, जो मजीद गहरी होकर सेल को दो नए डॉटर सेल्स में तकसीम कर देती है और यूं माइटोसिस।